हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए एक ब्लाउज़ है जो बहुत ही प्यारा है। इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और ये बन के भी बहुत सुंदर लगता है। ये ऐसे दिखता है और ये जो इसमें आपको होल्स दिख रहे होंगे, इसमें यहाँ से ऐसे इधर से डोरी डलती है और इधर से ये ऐसे डल जाती है और फिर उसको खींचते हैं। ये मैंने दिखाने के लिए डोरी निकाल दी है, तो जब डोरी खींच जाती है तो ये इस तरह से शेप आता है इसका। ये इस तरह से इसका शेप आता है, ये ऐसा शेप आता है, ये इस तरह से, ये ऐसा शेप आता है और बहुत ही प्यारा लगता है। ये पुराना ब्लाउज़ है मेरी मम्मी का, इसे मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं फिर से इसे बना रही हूँ। ये देखने में, ये तीन पोर्शन में बनता है। ये मैंने निकाला है डोरी दिखाने के लिए। एक पोर्शन ये अलग बनता है, ये अलग बनता है, ये अलग बनता है और बैक पोर्शन अलग बनता है। इसकी लंबाई हम नाप लेते हैं, आपको जितना चाहिए हो आप उतना रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं लंबाई नापती हूँ। आप नॉर्मली ब्लाउज 14 से 16 इंच होते हैं, लेकिन कुछ लोग सर्दियों में पेट ढकने के लिए लंबा लेते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये जैसे इस यहाँ जहाँ से हमने सिलाई की है वहाँ से और ये बॉर्डर तक ये 13 इंच का आया है और बॉर्डर लेके, और यहाँ से जहाँ से हमने फंदे आम होल की शेपिंग शुरू की है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 9 इंच है, और ये इस जगह से जहाँ हमने फंदे कटाए हैं, अगर यहाँ से देखें तो ये देखिए इस जगह से हमने फंदे कटाए हैं तो यहाँ से ये 5 इंच, ये 5 इंच का है। और इसका बैक पोर्शन, इस ब्लाउज को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बैक पोर्शन बनाते हैं। बैक पोर्शन जैसे बित्ते से अगर नापें तो एक बित्ता 4 अंगुल, उसके बाद हमने ये घटाई करी है, घटाई 4 3 2 1 की घटाई हो गई है। ये बाँह की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, फुल भी और बहुत से लोग हाफ रखना चाहें। ये टोटल 10 इंच है, और फुल रखना चाहें तो आप फुल रख सकते हैं। यहाँ से ये 8 इंच की है, और बैक का पोर्शन, इसकी गहराई पीछे का जो गहरा वाला पोर्शन है तो यहाँ से नापेंगे तो यहाँ से ये 10 इंच है, और ये जो है ये शोल्डर वाला ये 3 इंच है, इसमें ये बॉर्डर भी 1 इंच का बना हुआ है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें पीछे का पोर्शन बनाना है। मुझे तो सबसे अच्छा इसका ये वाला पार्ट लगता है, जो ऐसे डोरी डाल के और ये जब आप ऐसे खींचिए तो इसकी ये चीज़ लुक आती है, ये बटरफ्लाई सा दिखता है, ये बहुत ही प्यारा लगता है। और वैसे सेम उसी तरह ये इधर भी दिखता है, ये ऐसे और बीच में ये इस तरह से दिखता है। इसको बनाने के लिए मैंने इसका छोटा सा बनाया है जिससे आपको क्लियर हो जाए। आप जितने फंदे आपको नीचे डालने हैं उतने डाल लीजिए, डालने के बाद जितनी लेंथ आपको चाहिए उतनी लेंथ बना के फिर ये मुड्ढे की शेपिंग करिए, 4 3 2 1 या 3 2 1 जितने फंदे हैं उस अकॉर्डिंग करके। फिर कंधे पे आपको जितने फंदे रखने हैं उतने रख के बीच के सारे फंदे गले के लिए घटा दीजिए। आपको डीप रखना है, जैसे इसमें ये डीप है तो थोड़ा पहले घटा दीजिए, और अगर आपको थोड़ा कम गहरा रखना है तो ऊपर घटाइए, फिर इधर भी उसी तरह फंदे रख के आपका ये बीच का पोर्शन तैयार हो गया। उसके बाद ये फ्रंट के बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला पोर्शन, ये ट्राइंगल पोर्शन बनाना है, ये वाला, ये अलग पोर्शन है और ये दोनों पोर्शन इसमें जुड़े हुए। ये मैंने बिना डिजाइन के सादा सादा बनाया है, और जितने पोर्शन फंदे आपने नीचे पीछे डाले थे उतने ही फंदे डाल के आप थोड़ा सा 2 अंगुल, आप चाहें तो जो जैसे इस वाले पीस में बॉर्डर से ही पूरा बना हुआ है, आप चाहें तो बॉर्डर अलग बनाएं और डिज़ाइन अलग बनाएं। उसके बाद बॉर्डर डालने के बाद 2 इंच का, देखिए 2 या 3 इंच का बॉर्डर रखने के बाद दोनों तरफ से ये इधर से भी और इधर से भी आप एक एक फंदे घटाते जाएंगे, इस तरह से 2 इंच का ऐसे बना लें, और ये बहुत ऊंचा ना हो कि ट्रायंगल बहुत ऊंचा हो तो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा।
तो 2 इंच बनाने के बाद आप इधर से एक फंदे इधर से घटाते, एक तरफ सीधी तरफ से घटेगा, एक तरफ से उल्टी तरफ, ये घटाते जाएंगे। तो ये ऐसे, अगर फंदे बहुत ज़्यादा हैं तो आप दो दो फंदे भी घटा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा हमें नहीं करना है। अगर आपके नीचे फंदे ज़्यादा होंगे क्योंकि कमर के हिसाब से, तो आप दो दो फंदे भी इसे घटा के, और ये ट्राइंगल ऐसे, ये जैसे ये वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। फिर आपको जो हमारा ये पोर्शन था पीछे की, जो ये वाली पोर्शन थी, लंबाई में इसमें फंदे पड़ेंगे, तो उधर से आप नाप के जितने आपके फंदे आए वो वाले फंदे हम इस तरफ से यहाँ से फंदे डालेंगे। तो जितने फंदे आप उस पीछे वाले पोर्शन से नाप लेंगे, उतना ही लंबा फंदा डाल के आप देख लेंगे कि आपकी लंबाई पूरी आ रही है। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि इस डायरेक्शन में पड़ा है, यहाँ से हमने फंदे डाले हैं। और अगर आपको डिज़ाइन डालनी है ये वाली, या सिंपल रखना है, या कोई और डिज़ाइन, तो आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। और फिर दो अंगुल बनाने के बाद, जैसे हमने इधर 4 3 2 1 की घटाई की थी, तो यहाँ 2 अंगुल बनाने के बाद ये घटाई करेंगे। ये देखिए, फिर ये दो, ये जो ये वाली चीज़ है, जितना चौड़ा आपको रखना है ये रख लेंगे। और फिर गले में, जैसे गले को घटाते हैं वैसे गला घटा लेंगे, और जो थोड़ा सा रह जाए, तो 2 सिलाई, जैसे अगर आपने यहाँ जैसे बॉर्डर की बनी है, बॉर्डर की बना के ये जाली बना लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6, जितनी आपकी लेंथ होगी उस हिसाब से ऊन आगे करेंगे, 2 फंदे एक साथ, ऊन आगे करेंगे, 2 फंदे एक साथ, इसी तरह से ये दोनों पोर्शन घटा लेंगे, बना लेंगे, एक इधर का और एक इधर का। जब ये पोर्शन हम बनाएंगे तो याद रखेंगे कि एक एक दोनों के जैसे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जैसे एक बार गला इस तरफ घटा है तो दूसरी बार गला इस तरफ घटेगा। ये देखिए, ये ऐसे दिखाई देगा, ये यहाँ से, इस जगह से, यहाँ से हम फंदे डालेंगे, इस जगह से ये फंदे डालेंगे, और पीछे का जो ये पोर्शन है जैसे इससे, तो इससे हम नाप लेंगे कि कितने फंदे हमारे फिट बैठेंगे, तो उसी हिसाब से हम फंदे डालेंगे। और फिर दोनों फंदे, जैसे मैंने ये डाले हैं देखिए, तो मैंने इस यहाँ से इस जगह से ऐसे नाप के देख लिया कि ये हमारे फंदे इतने आएंगे, तो इसी तरह आप भी नाप के देख लेंगे। फिर जब ये दोनों फंदे होंगे, बस पल्लों को, आगे के पल्लों को, ट्रायंगल वाला पीस बन गया, आगे के पल्लों को देखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में बने, फिर इन इस ट्रायंगल पीस को ये दोनों पल्ले उसमें जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ेंगे कैसे, एक दूसरे पे ऐसे चढ़ाते, ये एक पल एक सिल देंगे, फिर दूसरा उस पोर्शन को ऐसे दबाते हुए सिलेंगे, और फिर क्रोशिए से डोरी बना के इसमें डालेंगे, और उसमें जो वो पॉम पॉम बनाते हैं वो डाल के बना देंगे। और स्लीव्स आप अपने हिसाब से बनाएंगे, स्लीव्स तो नॉर्मल जैसे बनती हैं, और फिर ये दोनों पोर्शन कंधे के सिल देंगे इस तरह से, ये ऐसे सिल जाएंगे जैसे किसी भी स्वेटर में नॉर्मल बनते हैं ब्लाउज में, और ये बन के ऐसा आएगा, और यहाँ से इसे ऐसे जोड़ देंगे। और ये जो जाली बनेगी, तो ये भी छोटा है तो ऐसे इसमें ये ऐसे जाली बन जाएगी। ये मैंने आपको बस बताने के लिए छोटा सा बनाया था कि क्लियर हो जाए कि ये पोर्शन अलग बनेगा, ये दो अलग बनेंगे, ये आगे का पोर्शन 3 पार्ट्स में बनेगा, और पीछे का तो जैसे नॉर्मल ब्लाउज बनते हैं वैसे बनेगा। आप इसे ट्राई करें, और इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।